ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ. मैं डॉक्टर विपिन मिनियार, जनरल सर्जन, प्रोक्टोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ. पिछले 22-23 साल से मैं औरंगाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ. आज हम पाइल्सी विषय पे थोड़ी अधिक जानकारी देना चाहूँगा. जनरली लोगों को हम जब पेशेंट आता है तो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है, तो पेशेंट सीधा बोलता है कि मुझे पाइल्स की तकलीफ़ है. पाइल्स ये एक डायग्नोसिस है, ना कि कंप्लेन. इसमें दो तीन अलग अलग चीज़ें रहती है, जैसे कि फिशर, फिशुला और पाइल्स. तीनों में कोई भी तकलीफ होंगी तो पेशेंट को लगता है कि मुझे पाइल्स की ही तकलीफ़ है. पाइल्स के मेन सिम्टम्स ये रहते हैं कि उसमें ब्लीडिंग होता है बहुत ज़्यादा और पेन बिल्कुल नहीं रहता. फिशर इसके उल्टा रहता है, उसमें पेन बहुत रहता है, ब्लीडिंग बहुत कम रहती है. और फिशुला में एक जख्म रहती है एनल कैनल के बाजू में, जहाँ से बीच में कुछ गंदा स्त्राव निकलते रहता है, पीप और ब्लड निकलते रहता है. तो ये तीनों चीज़ अलग अलग है. अब पाइल्स के बारे में मैं थोड़ा आगे और बताना चाहूँगा. पाइल्स होने का आज के तारीख में सबसे ज़्यादा मेन कॉज है कि कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल्स, ज़्यादा देर बैठना, स्ट्रेनिंग करना. और ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इरेक्ट पोस्चर में रहते हैं, इसलिए वहाँ के वेसल्स पे, वेंस पे ग्रेविटी का एक प्रेशर बना रहता है. कुछ पेशेंट्स में वहाँ के मस्कुलेचर का भी प्रॉब्लम रहता है. ये कुछ कारण रहते हैं जिसकी वजह से पाइल्स डेवलप होते हैं. इसमें अलग अलग ग्रेड्स रहते हैं, जैसे कि ग्रेड वन में पाइल मास अपने को बाहर से कुछ दिखता नहीं है, पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, पेनलेस रहती है. ये सिचुएशन में डाइटरी मॉडिफिकेशंस और कुछ कॉन्जर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिसिन से भी ये ब्लीडिंग रुक सकता है. अगर उससे फ़ायदा नहीं हुआ तो हम वहाँ पे लोकल इंजेक्शंस दे सकते हैं. दूसरी डिग्री रहती है जहाँ पे ये जो पाइल्स के कोम बोलते लोग या पाइल मास बोलते हम, ये थोड़ा सा बाहर आता है और जब लैट्रिन साफ़ करता है पेशेंट तो उसके हाथ को कुछ लगता है और हाथ में भी ब्लड लगता है. ये ग्रेड में जनरली इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी उतना काम नहीं करती. इसमें हम बैंडिंग नाम का एक प्रक्रिया रहती है, बैंड छोड़ते हैं वो पाइल मास के बेस को, उसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाता है. ग्रेड थ्री में पाइल मास बाहर आता है और अपने आप अंदर जाता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा मास रहता है. इसमें सर्जरी ये एक ऑप्शन रहता है और इसके बाद की जो स्टेज रहती है उसको ग्रेड फोर बोलते हैं, जहाँ पे पाइल मास हमेशा के लिए बाहर ही रहता है. थर्ड डिग्री में मैन्युअली ढकलना पड़ता है लेकिन अंदर जाता है. फोर्थ डिग्री में मैन्युअली ढकलने के बाद भी वो वापस बाहर आता है. तो ये थर्ड और फोर्थ स्टेज के लिए सर्जरी ये एकमात्र इलाज है. अब सर्जरी में अलग अलग मेथड्स है, जैसे कि मिलिगन मॉर्गन टेक्निक, जो लगभग 100 साल से भी अधिक टाइम से ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है. आज की तारीख में नए और एक दो ऑप्शंस है, जिसमें स्टेपलर हेमरोडेक्टोमी नाम की एक चीज़ है, जिसमें पेशेंट को दूसरे दिन ही हम डिस्चार्ज कर सकते हैं. पेशेंट को पेन कम होता है और पेशेंट का जो जॉब बैक टू वर्क नॉर्मल लाइफ जल्दी होता है. डॉपलर गाइडेड हेमोराइडल आर्टरी लाइगेशन एक और एक नया टेक्निक है, जिसमें तुम डॉपलर गाइडेड हेमोराइडल आर्टरी को ही लाइगेट करते हैं, पाइल मास निकाला नहीं जाता. इसमें पाइल मास जैसे ब्लीडिंग ब्लड फीडर उसका बंद हो जाता तो पाइल मास अपने आप सिकुड़ जाता है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है. अब अगर आपको पाइल से बचना है तो आपको आपके डाइट पे, पानी के इंटेक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. अगर पेशेंट
फाइबर डाइट कम होगा तो उसको एडिशनल सप्लीमेंट दे सकते हैं हम मेडिकल्स। अगर उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है जिसमें हार्ड स्टूल्स हो रहे हैं, स्ट्रेन बहुत करना पड़ता है, तो इसमें प्रोकाइनेटिक सिक्रेटरी एजेंट्स जैसे कि टैबलेट्स रहते हैं, ये कुछ पेशेंट्स में मैन्युअली रिमूव करना पड़ता है फीकल मैटर। ऐसे पेशेंट्स में इम्पैक्टेड स्टूल्स अगर होंगे तो एनीमा भी देना पड़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म अगर अच्छा रिलीफ चाहिए सर्जरी के बाद भी, तो आपको आपकी लाइफस्टाइल, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, पानी का इंटेक का ध्यान रखना चाहिए, और साथ में अगर कुछ मेडिसिंस लगती है तो बेझिझक लेना चाहिए। लोगों को मेडिसिंस लॉन्ग टर्म लेने में झिझक रहती है क्योंकि उनको लगता है इसकी आदत हो जाएंगी, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि अगर उससे रिलीफ मिल रहा है और आपको प्रॉब्लम नहीं बढ़ रहा है आपका किसी तरह से, तो मेडिसिंस लेने में, लॉन्ग टर्म भी लेने में, ये मेडिसिंस कुछ भी हार्म नहीं करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है ज़्यादा। पाइल्स के पेशेंट कुछ एज का ये रहता है उसमें, एज का जनरली ये 20 साल के बाद कॉमनली देखे जाते हैं, 20 साल के उम्र के बाद, और ओल्ड एज में जनरली पाइल्स का प्रमाण कम रहता है। ऐसे पेशेंट्स में जनरली ट्यूमर वगैरह रहता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। इसमें ऐसा मोटापा कुछ इसमें आता है क्या? मोटापे की वजह से पाइल्स के ज़्यादा प्रमाण बढ़ते हैं ऐसा कुछ लगता है? फैट नहीं, ऐसा स्टडी नहीं है। बेसिक कॉज इज कॉन्स्टिपेशन, वो पतला आदमी है या मोटा है इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो स्ट्रेन कर रहा है, ज़्यादा देर टॉयलेट में बैठ रहा है, बैठना पड़ रहा है उसको, या हार्ड स्टूल्स पास कर रहा है, तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति में ये प्रॉब्लम होती है। कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, कैल्शियम का प्रमाण ज़्यादा रहना, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो थायरॉयड हार्मोन का चेकअप करना, पैराथायरॉयड हार्मोन का चेकअप करना, ये भी चीज़ें देखना पड़ सकता है। दीज आर वेरी रेयर कॉजेस। पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है, डाइजेस्टिव एंजाइम इंसफिशिएंसी है, ये बहुत सारे कारण हैं कॉन्स्टिपेशन के। बट मेन, अगेन आई एम सेइंग कि डाइटरी फाइबर एंड फ्लूइड इंटेक, टोटल दिन भर में पानी कितना पिया जाता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। सर, पाइल्स के पेशेंट बहुत से ऐसे नज़रअंदाज करते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है आगे उनको, मतलब बैड क्या हो सकता है? बैड मतलब ये अगर लॉन्ग टर्म रहता है तो एक तो एनीमिया होता है पेशेंट को, थकान आना चालू हो जाती है, ब्लड लॉस चालू रहता है, पेशेंट शर्म के मारे बताना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता। कुछ लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि पाइल्स का ऑपरेशन किया कि लैट्रिन का कंट्रोल चले जाता या कुछ और प्रॉब्लम होते हैं, ये सुनने वाली बातें रहती है। बट बाय एंड लार्ज इफ साइंटिफिकली डन द प्रोसीजर, ये सब कुछ भी नहीं होता है। अभी तक मेरे पूरे करियर में मेरे पास एक भी पेशेंट इनकॉन्टिनेंस का हुआ नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर अगर तुमने प्रॉपरली किए हो तो जनरली कुछ तकलीफ नहीं होती। लॉन्ग टर्म पाइल्स में कैंसर हो सकता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है। सर, अभी पेशेंट को पाइल्स हो ही ना, तो इसलिए प्रिकॉशन क्या है आपके भाषण में क्या बोल सकते हैं? अगेन सेम थिंग, अगर पाइल्स होना नहीं चाहिए आपको ऐसा लगता है, लेकिन कुछ फैमिलीज टेंडेंसीज रहती है, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसको अपन ट्रीट नहीं कर सकते या उसका अपने पास इलाज नहीं रहता है, वो लोगों को होने वाला ही है वो। लेकिन तुमको अगर पाइल्स अवॉइड करना है, नॉर्मल लाइफस्टाइल, अच्छे से रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, एडिक्शंस नहीं रहने चाहिए, फाइबर इंटेक अच्छा चाहिए, हरी सब्जी फल फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए, स्प्राउट्स खा सकते, सैलड्स खा सकते, नॉनवेज का प्रमाण अगर है तो वो कम करना चाहिए, और पानी पीने का प्रमाण योग्य रखना चाहिए।